आप सबको अपने इस चैनल पर स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 और 12 वाले बच्चे आप सब प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो या ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो चुका होगा और एग्जामिनेशन आपने बहुत अच्छा दिया इंग्लिश का और आने वाले दिनों में भी आपको सारे पेपर अच्छे होने की संभावना है। माँ बाप के आशीर्वाद से और हम सबके सहयोग से उम्मीद करते हैं आप सबका बहुत अच्छा पेपर होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको ग्रेस मार्क को लेकर बात करूंगा। जो सीबीएसई ने ग्रेस मार्क जो प्रोवाइड किया है आपको क्लास 10 वाले बच्चों और 12 वाले बच्चों उन सभी के लिए जो 10 क्लास जो ग्रेस मार्क देगी उसके बारे में मैं बता दूं कि किस प्रकार से ग्रेस मार्क मिलती है, आपको कितने नंबर तक ऑफिशियल ग्रेस मार्क्स मिलती है वो भी मैं आपको यहां पर शेयर करूंगा। साथ ही साथ ये जो टर्म 1 और टर्म 2 का एग्जामिनेशन जो हो रहा है इसमें सॉरी टर्म 1 का तो रिजल्ट आ चुका है, टर्म 2 में अब हमें कितने कितने मार्क्स लाएंगे तब हम पास आउट हो जाएंगे। पास की बात मैं कर रहा हूं, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं। उसके बाद पूरी डिटेल में इस वीडियो में खास एक इंपॉर्टेंट बात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो गाइस वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब योर चैनल, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा क्योंकि सही इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल के साथ मिलता है। इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स देखिए 2021 में जो एग्जामिनेशन को पोस्टपोन किया गया था उस समय के जो ग्रेस मार्क्स मिला था वो बच्चों को ऑफिशियली 6 नंबर तक मिला था। ऑन द स्क्रीन भी आप देख सकते हैं 6 नंबर तक मिला था। लेकिन ये ग्रेस मार्क्स अगर हम कहें तो ऑफिशियली जो नॉर्मल जो मिलता है वो कोविड का सिचुएशन अगर ना हो तो 5 मार्क्स हर हाल मिलता है। जैसे कोई बच्चा 1 नंबर से फेल हो रहा है 2 नंबर से फेल रहा है तो उसे ग्रेस मार्क्स जरूर मिलता है। बच्चे अब सीबीएसई किसी भी जिस प्रकार का आप देख रहे हैं कि इस साल सारे बच्चे पास आउट होंगे तो सीबीएसई किसी प्रकार के कोई भी बच्चे को क्रॉस नहीं करने जा रही है। ये तो सबसे बड़ी बात है क्योंकि आपने जब आपने वेबिनार को देखा होगा अटेंड किया था आप लोगों ने पूरी वेबिनार को देखा श्याम भारद्वाज जी जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है सीबीएसई को उन्होंने सारी बातों को उन्होंने कहा कि इस बार टर्म 1 और टर्म 2 का किस प्रकार का आपका रिजल्ट भी तैयार होगा वो भी उन्होंने बता दिया। देखिए सबसे पहले हम यहां बात करते हैं कि आपने एग्जाम दे रहे हैं एग्जामिनेशन में आपने क्या दिया कि अभी टर्म 1 का रिजल्ट तो आपके पास आ चुका है लेकिन टर्म 2 है। मान लीजिए टर्म 1 में 50 नंबर का था और आप 40 नंबर का थ्योरी 10 नंबर का प्रैक्टिकल था। अब आप इसको अगर आप देखेंगे कि मान लीजिए आपने इसमें लाया है 10 नंबर, मान लीजिए इसमें थ्योरी में टर्म 1 में 10 नंबर लाया और इसमें आपको ने ला दिया आपको कितना लाना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको लाना है इसमें लाया आपने 20 नंबर तो कितने हो गए 10 और प्लस 20 ये हो गए आपको 30 नंबर। ओके 30 लेकिन आपको लाना कितना था टोटल, यहां भी 30 नंबर लाना था और इसमें टर्म 2 में भी थ्योरी में 30 लाना था यानी 30 30 26 यानी 26 अगर 40 बेटे 26 हो जाएगा ओवरऑल ये कहिएगा तो 33% जो है अगर आप लाते हैं पेपर चाहे टर्म 1 हो चाहे टर्म 2 हो इसमें अगर 33% लाते हैं तो आप पास आउट होते हैं। लेकिन यहां पर मैं स्टूडेंट आप बता दूं कि अगर आपने टर्म 1 में कम लाया और टर्म 2 में ज्यादा लाया या टर्म 2 में ज्यादा आ गया टर्म 1 में ज्यादा हो गया लेकिन ओवरऑल जो आपका रिजल्ट बनेगा वो टर्म 1 और टर्म 2 को मिलाकर फाइनल रिजल्ट बनेगा और जो फाइनल रिजल्ट में पासिंग क्राइटेरिया जो होता है वो 33% रखा गया है, ये याद रखिएगा 33%। इसलिए अभी बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके सभी उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे ये मैं कह रहा हूं स्टूडेंट्स और मुझे यकीन है क्योंकि आपकी तैयारी पर साथ साथ आप क्या 40 में आप 13 नंबर नहीं लाएंगे एकदम जरूर लाएंगे इस बार और इस बार तो 13 क्या लाएंगे हमको लगता है 40 में आप 39 प्लस ला सकते हैं स्टूडेंट्स। गाइस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, वीडियो बहुत बड़ा नहीं करना चाहता हूं छोटा छोटा वीडियो जो है इस पढ़ाई के दरमियान में मैं देने का कोशिश करूंगा जो अपडेट जो आपके एग्जामिनेशन में आपको सहयोग मिले। सो गाइस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद जय भारत।